हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विसामा फूड्स चैनल। आज हम भुना कॉर्न बनाने वाले हैं। ये एक यूनिक रेसिपी है। सो इसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल में थोड़ा सा सेसमी सीड्स डालकर टेम्परिंग किया है। फिर मैं कॉर्न भून रही हूँ। ये फ्रोज़न कॉर्न है तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक ये कॉर्न थोड़े सॉफ्ट हो जाए तब तक मैं भूनूंगी, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, ये फ्रोज़न है। तो मैं इसे 5 से 6 मिनट भूनूंगी और फिर हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें सॉल्ट और घर का मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा चीज स्प्रेड। मैंने बहुत कम ऑयल यूज किया है। पहले मैंने कॉर्न को सिर्फ 2 या 3 चम्मच ऑयल में भून लिया है और गैस भी बहुत स्लो रखी है अभी मैंने, तो हम इसे भून लेंगे थोड़ा और। हम इसमें कैबेज और थोड़ा ग्रीन वाला स्प्रिंग ऑनियन डाल रहे हैं और थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया है। आप देख सकते हैं ये कॉर्न जो है फ्रोजन है, इसे मैंने थोड़े से ऑयल में भून लिया है इसे, और अभी भी हम इसे भूनेंगे। तो ये ड्राई लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सॉस ऐड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा केचप ऐड करें, टोमेटो केचप 1.5 चम्मच लगभग मैंने ऐड किया, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अब हम 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। मैंने आज 1.5 चम्मच सोया सॉस ऐड किया है। अब हम इसे हिला लेंगे और ये सॉस ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा जो इसका ड्राइनेस था वो कम हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे और हमारा भुना कॉर्न रेडी हो रहा है। मैंने वेजिटेबल्स ज़्यादा फ्राई नहीं किए हैं इसमें, इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए वेजिटेबल्स का। कैबेज और स्प्रिंग ऑनियन ऐड किया थोड़ा सा। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव ऐड कर रही हूँ। अब हम गैस ऑफ करेंगे। हमारी रेसिपी रेडी है भुना कॉर्न की और मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक यूनिक रेसिपी है भुना कॉर्न की। आप ज़रूर ट्राई करिए। Thanks for watching and have a nice day friends. Please like, share and subscribe to Visava Foods channel.